Okay, hi guys, please like, subscribe. These videos are very direct and short, आपको directly to the point कोई भी topic या feature देखने को मिलेगा. I don't beat around the bush. It is for individuals who directly want to go to the point and learn. So we are going to see today how to create a repository in GitHub and how to merge your code into the master branch and everything. This video is will be very short and for absolute beginners. So create on the plus icon, create a new repository, give your repository a name, description. You will want to keep it private. Yeah, public bhi rakh sakte ho as you wish, and add a readme file and create repository. As I already created one repository, I'm not going to do it again. So after you create a repository, मैंने ये बनाई थी एक repository Selenium M1. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे just for practice examples और classes बनाए हैं Selenium M1 करके. तो मैं सेम नाम से यहाँ पे डाल रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी मास्टर ब्रांच बन गई है. मास्टर ब्रांच क्या होती है कि एक मेन ब्रांच जहाँ पे सब लोग अपना कोड मर्ज करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. सो इफ आई एम वर्किंग अलोन इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, बट अगर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं तो अगर चार लोग वर्क कर रहे हैं तो चार लोगों की चार अलग अलग ब्रांच होगी और एक मेन कॉमन ब्रांच होगी जो है मास्टर. तो दे कैन नो के कौन से चेंजेस कब गए हैं एंड वो चेंजेस किसको अफेक्ट कर रहे हैं. अगर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो ब्रांच वो चेंजेस करने पड़ेंगे एंड दे विल डिप्लॉय इट after the doing the changes. But to keep it short, master branch is the main branch and the sub branches are worked by different individuals. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा कोड कॉपी हो गया है. तो इसको सबसे पहले कॉपी करने ये कैसे आएगा वो आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने फॉर्म फाइल में जाओ और मैं चेक कर लेता हूँ कोई नहीं कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ कॉल नहीं करना है. आपको यहाँ जाना है आपके प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे जैसे ही आप टीम्स में जाओगे तो यहाँ पे कनेक्ट टू गिटहब करके आएगा ऑप्शन. उसके साथ आप कनेक्ट कर लो और स्टेप्स को फॉलो करना. तो एक यूआरएल मांगेगा बेसिकली आपकी रिपोजिटरी की, वो रिपोजिटरी की यूआरएल डालनी होती है और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा. मैं कैसे कमिट करते हैं वो आपको शो कर सकता हूँ. अगर कमिट तब करते हैं जब आपका कोड हो गया है, आपने कोड कर लिया है, काम हो गया है आपका. तो और पुल तब करते हैं जब आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले होते हो. तो अगर आपको कोई फाइल चाहिए काम करने से पहले तो पुल करो तो आपको लेटेस्ट मिल जाएगा. या फिर आप अपने डेस्कटॉप पर भी गिट इंस्टॉल कर सकते हो लोकल रिपोजिटरी में, तो आपको डायरेक्टली लेटेस्ट मिलता रहेगा. इट्स बेसिकली लाइक गूगल ड्राइव अगर आपने यूज़ किया है तो. और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट होगी ऑल्सो, तब आप पुल रिक्वेस्ट करोगे जब आपको किसी का कोड रिव्यू करना है. बट दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर नाउ, लेट्स गो फॉर कमिट. तो अनस्टेज्ड चेंजेस वो होते हैं जो अभी तक कुछ मेरा इतने फाइल्स है. स्टेज्ड चेंजेस 22 मतलब कि इतने मेरे गिट रिपोजिट गिट हब पे अवेलेबल है. यहाँ पे ऐसा सी टेस्ट आपने जब मर्ज कर दिया होगा आपका रिपोजिटरी देखे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. फिर अगर आपने कोई नए चेंजेस बनाए, क्लास बनाए, कोई क्लास के अंदर एडिट किया, अपडेट किया, कोई नया जावा क्लास क्रिएट किया, जो भी नए चेंजेस है जो गिटहब पे नहीं है वो यहाँ पे अनस्टेज चेंजेस में दिखेंगे. तो 11 फाइल्स है. मैं कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नीचे स्टेज्ड में ड्रैग कर दूँगा. जैसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे कमिट एंड पुश करूँगा और मैसेज लिखना पड़ेगा.
और मैं पुश कर दूंगा यहाँ पे ऑथर का नेम और वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये पुश हो रहा है, तो जैसे ही पुश हो जाएगा आपको पूछेगा कि पुश चेंजेस टू सेलेनियम ऑटोमेशन, और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। मेन ब्रांच में आप दिखा रहा है कि मर्ज हो गया ये डिस्क्रिप्शन के साथ, तो यहाँ से क्लोज कर दो। यहाँ हो गया, अभी आप यहाँ पे जाओगे और मेन पे चले जाना, तो ये लेटेस्ट जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो आ जाएगा, उसके सारे डिटेल्स और जो भी चेंजेस हुए हैं कोड के अंदर वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। जो रेड है वो रिमूव हो गया है, जो ग्रीन है वो ऐड हुआ है। अगर आपको फाइल्स देखनी है तो आप सिलेनियम M1 यहाँ पे चले जाओ, आपका जो भी नाम है यहाँ पे, जो भी आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएगी। आप यहाँ पे उसको फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आपको कोड डायरेक्टली दिख भी जाएगा, और अगर डाउनलोड करना है तो एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब हो सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ रिपोजिटरी। एंड आपने अगर कोई पुल रिक्वेस्ट की है तो यहाँ से पुल रिक्वेस्ट आएगी। न्यू पुल रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ से न्यू पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, पर मेरा कोई प्रोजेक्ट दूसरा है नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा अभी, बट यहाँ से पुल रिक्वेस्ट होगी। अगर आपको प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं या न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो ये शॉर्ट योर प्रोजेक्ट्स, प्लान योर प्रोजेक्ट्स, क्रिएट प्रोजेक्ट सब यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके कोई इश्यूज है जो किसी ने पुल रिक्वेस्ट करके चेक किए हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे। ये आपका मेन ब्रांच, मैंने एक ही ब्रांचेस बनाई है तो यहाँ पे एक ही ब्रांच दिख रही है। अगर मुझे नई ब्रांच बनानी है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट पे कर सकता हूँ, नाम लिख दूंगा तो क्रिएट हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ आपसे कर सकता हूँ ये URL कॉपी करके अपने लोकल से भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने लोकल में यहाँ पे लेके रखा है तो लोकल में आ जाएगा, वरना आपको यहीं से क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ से भी ऑप्शन है, और इम्पोर्ट रिपोजिटरी करनी है, नई रिपोजिटरी बनानी है। सो दैट्स इट, थैंक यू लाइक्स एंड सब्सक्राइब।